So hello and assalamu alaikum. My name is Hasnain Mankani and I am one of the co-founders of premed.pk. I am also a third year medical student at the Aga Khan University, and I wholeheartedly welcome you to the MDCAT Improver course Demo Class 2 by premed.pk today. So hamara pura session ka reason ye hai ki aap sabko ek idea de ke is saal jo premed MDCAT courses introduce कर रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें involved होंगी and how you can benefit from them. So essentially ये जो हमारा course है specifically is for the improvers of 2024 का MDCAT who unfortunately have not gotten a good score. इसके लातादाद reason हो सकते हैं. एक ये हो सकता है कि for example the paper that came was not an accurate representation of your syllabus. ये बहुत हुआ है, बच्चों ने हमें बहुत ज़्यादा messages किए हैं कि सर जो paper था वो हमारे for example syllabus से नहीं आया था, वो पंजाब के syllabus से आ गया था, federal के syllabus से आ गया था, and we could not cope with it. So that's completely okay. I want you to know number one thing ये कि it's completely okay if you were not able to make it this year. There are thousands of students. अगर 180,000 बच्चों ने MDCAT दिया, there are thousands of students who will not have made it this year and they'll give the MDCAT again next year. और इसमें कोई बुरी बात नहीं है. This is actually a very good time for all of you. आप पूछोगे किस तरह अच्छा टाइम है, सो आई टेल यू हाउ कि दिस इज अ टाइम वे यू बेसिकली रिलैक्स. MDCAT का जो पीरियड होता है ना, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. आई नो आप अपना FSC या A लेवल का एग्जाम देते हो, CIE दे के आते हो या फिर बोर्ड पेपर्स दे के आते हो, एंड देन यू हैव टू लाइक यू नो गो थ्रू दिस क्रैम मोड फॉर द नेक्स्ट टू मंथ्स, जहाँ पे आप बस दबा के बस पढ़ रहे हो, सुबह 6 बजे अकेडमी जा रहे हो, शाम में फारिग हो रहे हो, ना खाने खाने का टाइम मिल रहा है, ना नमाज पढ़ने का टाइम मिल रहा है. सो नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स, यू नो, टेक अ डीप ब्रेथ. इट्स ओके, यू नो, थिंग्स डू नॉट वर्क आउट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू गैप ईयर्स. आई माई सेल्फ टुक अ गैप ईयर एज वेल. आई वेंट टू डाउ बिकॉज मुझे AQ में वापस जाना था, and I had to basically take a gap year. तो मैंने जाके DAO में 2-3 महीने पढ़ा, and then I reapplied to AQ. So it's completely okay. So again, don't think कि एक दफा अगर exam में perform नहीं किया, you for example did not get a good score, तो you've missed out on something. It is not like that. ठीक है, एक तो ये बात. अब करना क्या है भाई, आपको करना है कि आप अपनी activities पे focus करें. If you like to gym, if you like to cycle, if you like to for example go for swimming, आप सब कुछ करें, ठीक है ना? इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज यू हैव द एंटायर ईयर फॉर यू. इसके साथ आपको ये करना है कि आपने जो अभी कॉन्सेप्ट इस साल पढ़े थे उनको आहिस्ता आहिस्ता दोहराते रहना है, ठीक है ना? आपको उसको रिवाइज करते रहना है, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप अभी कुछ ना पढ़ो एंड देन MDCAT 3 महीने पहले आप बैठो किताबों के साथ कि भाई अब मैं बैठ के यू नो केमिस्ट्री की किताब पढ़ता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप बोलोगे अब तो मुझे कुछ भी नहीं याद है, मुझे बैठ के यू नो पूरा स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा. और फिर आप फॉर एग्जाम्पल और जो बच्चा लाइक यू नो जिसने फॉर एग्जाम्पल पहली दफा MDCAT देना है, आप दोनों के बीच कोई फर्क नहीं होगा. दिस केमिस्ट्री बुक इज नॉट इजी टू रिमेंबर थ्रू आउट द ईयर. तो अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बिट बाय बिट रिवाइज करते रहोगे, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है? तो अब काफी बच्चों ने मैसेज किया है कि सर हम तो इंप्रूवर नहीं है, हम तो MDCAT पहली दफा दे रहे हैं, तो फिर हमारा क्या? देखिए ये जो कोर्स है ना, हमारे जो टीचर्स हैं, मैं आगे आपको आगे दिखाऊंगा, दे आर सो गुड कि बेसिकली हम इंश्योर कर रहे हैं कि भाई बच्चा पहली दफा MDCAT दे रहा हो, वो 6 दफा दे के आ रहा हो, the course is the same because we'll be revising all the concepts just like आप पहली दफा पढ़ लो, ताकि आपका जो revision है वो इस तरह हो कि आप बोलो कि भाई मैंने एक टॉपिक कभी पहले पढ़ा नहीं है, बिकॉज मे बी आपने पहले अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था, मे बी आपने पहले उसको फोकस नहीं किया था, मे बी योर टीचर इन द अकेडमी और योर कॉलेज और योर क्लास इज नॉट फोकस ऑन इट दैट वेल. तो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि हम आपको इस तरह पढ़ाएं कि आप आके बोलो कि वाओ, मतलब यू नो मैंने कभी ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा होता तो भी मतलब इन लोगों ने मुझे ऐसा पढ़ाया कि A to Z इन्हें पढ़ा दिया, ठीक है? सो दिस इज हाउ दिस MDCAT कोर्स विल गो ऑन. और हम इस भी इसकी बात करेंगे, इसकी फीचर्स की. मोहित आएंगे, ही विल डू अ डेमो क्लास ऑन फिजिक्स, सो मेक श्योर टू लाइक ट्यून इन फॉर दैट. और एंड में जाके आई विल टेल यू कि भाई किस तरह इसके लिए एनरोल होना है, क्या इसके लिए आपको चीजें करनी है, एंड उसके अलावा अलावा, ठीक है? सो लेट्स गो आगे. सो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आपको जो ये प्रेपरेशन कोर्स है इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, सही है ना? यू माइट बी थिंकिंग कि भाई इसमें क्या सिर्फ क्लासेस होंगी, क्लासेस किस तरह होंगी, यू नो फॉर एग्जांपल क्या सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हम आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, जो 5 के 5 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पढ़ाएंगे, ठीक है ना? वी हैव पर्सनलाइज्ड टीचर्स फॉर ईच सब्जेक्ट. आप इस तरह लेकिन जब आप एक क्लास में जाएंगे आपको याद हो जाएगा कि मोहित हमारे फिजिक्स की टीचर है एंड ही इज एन अमेजिंग टीचर, हया हमारी इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग की टीचर है, वो हमें बेहतरीन पढ़ा रही है. इस तरह हम आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करके देंगे, ठीक है ना? क्लासेस किस तरह होंगी कि हम आपको क्लासेस करवाएंगे सैटरडे एंड संडे को, हर एक दिन पे. लेट्स से सैटरडे है तो उस पर 2 क्लासेस होंगी, उसमें पढ़ा देंगे आपको लेट्स से बायोलॉजी और केमिस्ट्री, सही है ना? और अगला जो संडे आएगा उसमें आपको पढ़ा देंगे फॉर एग्जांपल फिजिक्स, इंग्लिश
एंड लॉजिकल रीजनिंग. इस तरह हम आपको फॉर एग्जाम्पल 4 क्लासेस पर वीक देंगे जब तक एम डी कैट के करीब नहीं आते हम लोग. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कोर्स है इट्स स्टार्टिंग इन अक्टूबर. सो स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर ऑल द वे टू हमारा जो जुलाई है ना वहां तक आप लोग बेसिकली 4 क्लासेस अ वीक, तो बेसिकली आप महीने की 16 क्लासेस ले रहे होंगे. 16 क्लासेस ऑल ऑनलाइन. द बेस्ट पार्ट इज आई टेल यू व्हाई ऑनलाइन कोर्सेज आर बेटर देन इन पर्सन कोर्सेज. यू नो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट दिस. आई विल गिव अ कपल ऑफ रीजंस फॉर दिस. नंबर वन, इतने बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमने अकेडमी ज्वाइन की, हमने 60,000, 70,000, 80,000, 1,00,000 रुपए दिए और सर 2 क्लासेस के बाद ना सर मज़ा नहीं आया बिकॉज यू नो हम ट्रांसपोर्ट पे टाइम ज़ाया कर रहे थे, हम वहाँ जाके अपने दोस्तों के साथ बस खाना खाने जा रहे थे, टाइम ज़ाया कर रहे थे. फॉर एग्जांपल हम लोग वहाँ जा रहे थे, वी वर नॉट फीलिंग सेफ. अ लॉट ऑफ गर्ल्स मैसेज मी कि भाई हम लोग वहाँ जाते हैं अकेडमीज में एंड वी गेट यू नो अननेसेसरी मैसेजेस, DMs, गंदे गंदे स्टेयर्स आते हैं हमें क्लास के दौरान. वी कांट आस्क क्वेश्चंस इन अ क्लास बिकॉज टीचर इज सो बिजी, बिकॉज एक क्लास में यू नो 100 बच्चे होते हैं, आपको हर किसी को जवाब देना है. विद दिस वी गोना बी कीपिंग द क्लास साइज शॉर्ट. तो पे आप ना फॉर एग्जांपल चैट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो. एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, कौन सी अकेडमी आपके टीचर के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है जहाँ पे आप सारे सवाल पूछ सको. तो इस तरह की चीजें वी इंश्योर ताकि जो इन पर्सन अकेडमीज है उनको हम रिप्लेस कर सके बाय ऑनलाइन अकेडमीज. एंड ट्रस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बस गिने ना कि हम लोग कितना टाइम ज़ाया करते हैं टू एंड फ्रो जाने में, पेट्रोल की प्राइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, हालात कितने ख़राब हो गए हैं. अब रिक्शा में जा रहे हो, आपको 1,000 रुपये सिर्फ दिन के देने पड़ रहे हैं जस्ट फॉर गोइंग टू द अकेडमी. इफ़ यू डू एन ऑनलाइन अकेडमी यू गोना बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी. और साथ में जो उसका सपोर्ट है, जो उसकी फॉर एग्जाम्पल लेकिन कम्युनिकेशन वाला गैप है जो लोग सोचते होगा वो और कम हो जाता है. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसके अलावा मैंने बताया कि 60 मिनट्स की क्लास होगी. तो 60 मिनट की क्लास हो, इसमें बहुत मोहित जैसे हमारे जो टीचर्स हैं वो आके पढ़ाएंगे आपको और उसके साथ साथ फिर हम लोग बाद में आपको 30 मिनट्स देंगे फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. स्पेशली मैंने रखा है कि 30 मिनट्स बच्चा आए, अपने सवाल पूछे, जो उसने क्वेश्चंस हमने उसको दिए होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, तो वो पूछे कि सर ये सवाल मैंने किया था, इसमें कोई इशू आया. तो वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दिस. कोर्स ड्यूरेशन मैंने बता दिया आपको, अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, सही है ना, एंड वी आर गोना टेक इट टू जुलाई बिकॉज हमें खबर ये मिली है कि जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्ट पे एमडी कैट हो रहा है. सो वी इंश्योरिंग कि आपके सारे टॉपिक्स आर कन्वर्ट बाय दैट टाइम. और जिस तरह मैंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल होगा, आपको जो सवाल पूछना है एनीथिंग यू कैन ऑलवेज आस्क दैट. ठीक है, मूविंग ऑन. तो अब हम बात करते हैं कि भाई हमने स्केड्यूल बता दिया आपको, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि टीचर्स कौन है. भाई टीचर्स कौन है हमारे पास? एक हमारे पास अली जुनेद, ठीक है ना, ही इज एन अमेजिंग टीचर. ही डिड अ डेमो क्लास द अदर वीक एंड दैट वाज बेसिकली ऑन केमिस्ट्री, ठीक है ना, ही विल बी टीचिंग केमिस्ट्री. मोहित विल बी टीचिंग फिजिक्स. आज मोहित की डेमो क्लास है एंड बाय द वे अली एंड मोहित आर बोथ गेटिंग इनटू डाओ मेडिकल कॉलेज व्हिच इज द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन सिंध. एंड जो वहाँ के बच्चे निकलते हैं दे गो टू द US, दे गो टू टॉप नॉच मेडिकल स्कूल्स, दे आर द स्मार्टेस्ट किड्स देयर माशाल्लाह. एंड साथ में दे वेरी रिस्पॉन्सिव टू टेक्नोलॉजी, तो वो आपको यूनिक तरीके से निमोनिक से शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स से पढ़ा रहे होंगे. साथ में हमारे पास है मरियम शहाबी, who's going to be teaching biology. Her MD CAT score, mashallah, is 180. In the last year, we karwaya tha and kids absolutely loved her. Main aapko is tarah example dunga ki kids message bhi ke sir, Maryam ne na ye do chapters padhaye the, but we want the full lecture on this again. So can you please share the recording? To we shared the recording for them, we actually put it on YouTube. Uspe kuch 3,000 views bhi aa gaye. That's how good she is. And Haya will be teaching English and logical reasoning. She's an amazing candidate. She's gotten a NUM score of 87% and वैसे भी YouTube पे पढ़ाती हैं and kids absolutely love her videos. Now, if I move on, और हम क्या क्या include करेंगे, I'm going to talk more about this course, but I want Mohit to now come and give you a demo class of physics, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो कि हम किस तरह physics में पढ़ाएंगे, ताकि you can basically get more of a satisfaction कि हाँ हमारे teachers अच्छा पढ़ाने वाले हैं, mnemonics, short tips and tricks use करने वाले हैं, questions करवाने वाले हैं. So Mohit, over to you, I'll stop sharing right now. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहित ज़ुल्फ़िकार, मैं निक्सर का ग्रेजुएट हूँ, इसी साल ग्रेजुएट. आई एम ऑडिबल ठीक है. आई वाज अभी साल ही मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ निक्सर कॉलेज से, 2023 के बैच से. आई गॉट 3 A's इन माय ए लेवल्स इन बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स. आई वाज अ सीनियर टीचिंग असिस्टेंट एट निक्सर कॉलेज एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एकेडमिक अफेयर्स कमेटी एट निक्सर कॉलेज. So I have a decent amount of experience, 2 years of experience teaching formally and informally. So today I will be conducting a class on forces and motion. Forces and motion basically A levels mein jo hai kinematics ke topic se ke naam se hota hai. Aur
ये काफी अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सवाल बनते हैं रेंज के हिसाब से, प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कौन सी इक्वेशंस यूज होती हैं, कांस्टेंट स्पीड में कौन सी इक्वेशंस आप यूज करोगे, इसके इसके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके एमडीकैट में ना, तो कुछ आपके रिकॉल क्वेश्चंस होंगे जो आप देखोगे और आपको याद रखने पड़ेंगे, रट्टा वाले जो हम कहते हैं, और कुछ होते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने टॉपिक चुना था क्योंकि ये थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है, लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को ना समझ नहीं आता कि यार ये क्वेश्चन कहाँ लगाऊं, वो क्वेश्चन कहाँ लगाऊं, हाफ प्रोजेक्टाइल में क्या करूं, फुल प्रोजेक्टाइल में क्या करूं, रेंज के क्वेश्चंस, इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके न्यू इक्वेशन डेराइव करना काफ़ी टेक्निकल लगता है लोगों को। तो इस हिसाब से ना ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन अगर आज की क्लास अच्छी हो गई तो फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती क्या है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है जब आपकी स्पीड ना यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही हो। तो स्पीड हम कहते हैं, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में फर्क क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी के बीच का फर्क होता है, ये बस ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता ना हो, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में बस एक फर्क होता है, उसके वेलोसिटी में ना डायरेक्शन होती है आपके पास, ठीक है। स्पीड इज प्योरली बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड। अगर मैं कहूँ कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रही है, ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, लेकिन एक रिवीजन आपको करा देता हूँ, ठीक है, कि 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही है तो उसके पास इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राइट वर्ड चल रही है, मतलब पॉजिटिव 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही है, तो इसका हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पीड के पास होता है, ठीक है। तो और अगर मैं कहूँ कि लेफ्ट की तरफ गाड़ी चल रही है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ गाड़ी चल रही है, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सिंपली माइनस कर दो उसको, क्योंकि पॉजिटिव का ऑपोजिट होता है नेगेटिव, तो हमने राइट के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं और लेफ्ट के लिए हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली इस वेलोसिटी हमने डायरेक्शन चेंज करी, इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड अभी भी 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये तो काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में जो है आपकी स्पीड जो है ना कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में आपकी स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 पर सेकंड पे आपकी 2 मीटर पर सेकंड है स्पीड, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड है, तो अब मैंने दूसरे सेकंड पे आ गया हूँ, मैं पहले सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड। अब मैं थर्ड सेकंड पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगी, 6 मीटर पर सेकंड, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, बाय व्हाट, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है इनका, ठीक है। तो बाय 2 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी इनकी इंक्रीज हो रही होती है, तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में सुवर्ट की इक्वेशन इस्तेमाल होती है। सुवर्ट का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, सुवर्ट ये वैसे इस तरीके से सिखाते ही नहीं है, ज़्यादातर जगहों पे हर टीचर का अपना स्टाइल होता है सिखाने का, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे ऐसे सिखाया था सुवर्ट की इक्वेशन। सुवर्ट की इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपकी पहली इक्वेशन हो गई, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गई आपकी, वी इज इक्वल टू यू माइनस ए टी हो गया, ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस हो गई, ये सारी सुवर्ट की इक्वेशंस कहलाती हैं। लगती बड़ी डरावनी है, लेकिन ये है बड़ी आसान, उनमें कोई इतना कोई टेक्निकल नहीं है। इसमें s हमारा स्पीड नहीं है, s हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली पूरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी से आता है, इन्हीं इक्वेशन से आता है। तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन होती है ना, उनमें हम सुवर्ट की इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। तो और हम बचपन से पढ़ते हुए क्या आए हैं, बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का, इसमें स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बचपन से हम क्या पढ़ते आए हैं, इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये बचपन से हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। लेकिन ये सब तब एप्लीकेबल होती है जब आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट हो। तो अगर मैं गाड़ी ले लेता हूँ, ठीक है, गाड़ी मैंने बनाने की कोशिश करी थी यहाँ से, ठीक है, गाड़ी बनी है, अगर ये स्पीड वी की तरफ, वी से जा रही है राइट की तरफ, ठीक है, और 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन अभी हम, अभी हमें एक स्पेशल सिनेरियो मिल गया है जहाँ पे कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, लेट्स से एक बॉल है, लेट्स से एक बॉल है यहाँ पे बनाई हुई बॉल, ठीक है, बॉल फॉल कर रही है ग्रेविटी के अंदर,
और हमें पता है ग्रेविटी क्या होती है, 9.81 होती है हमारी ग्रेविटी, ये ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.81। अब यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। ग्रेविटी क्या है, हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही होती है बॉल को, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही होती है। इसको हम लेते हैं नेगेटिव 9.81, ठीक है, नेगेटिव 9.81 हम ग्रेविटी को लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से नेगेटिव हम 9.81 लेते हैं। तो इसके बारे में भी रिकॉल न्यूमेरिकल आ सकता है आपका कि ग्रेविटी नेगेटिव क्यों होती है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटी का आपका बेसिक, अच्छा कैलकुलेशन के, कैलकुलेशंस के लिए ना इसको आप 10 लेना आसानी के लिए, ठीक है, आसानी के लिए, क्योंकि आपको नंबर्स ऊपर नीचे काटने होते हैं, ऊपर नीचे काटने होते हैं तो 9.81 लेने का फायदा नहीं होता, लेकिन जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू है ना 9.81 नेगेटिव 9.81, ठीक है। अब इसमें मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का आपका कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन क्यों होती है भाई, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होती है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही होती है, तो ये नेगेटिव 9.81 की स्पीड से एक्सेलरेट कर रही होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एक सिनेरियो आ गया। अब यहाँ पे कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सुवर्ट के फॉर्मूला, ये जो मैंने फॉर्मूला लिस्ट करें, ठीक है, ये रखना लाजमी होगा, ठीक है, इन्हीं से आपकी सारी जो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की, टोटल टाइम कितना प्रोजेक्टाइल का जा रहा है, इसी से सारी जो इक्वेशंस है ना वो सारी डिराइव होती है, वो मैं अभी आपको डिराइव करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, और ये तब एप्लीकेबल होते हैं जब आपकी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होती है तो आपकी वेलोसिटी ना चेंज हो रही होती है, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू से ना चेंज हो रही होती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 2, 4, 6, 8, तो ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो अब अगर आप देखो तो 2 से चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, कॉन्स्टेंट स्पीड पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन पे, मतलब जब स्पीड आपकी चेंज हो रही हो तो आपको ये वाले फॉर्मूला इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक, बस एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बॉल, ठीक है, बॉल का सबसे बेसिक एग्जांपल होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक प्लेन में आप बॉल को फेंक रहे हो। तो मैंने बॉल ली, इनिशियली यहाँ पे थी बॉल, निचली यहाँ पे डाउनवर्ड है, अब मैंने इसको फेंक दी ऊपर, ऊपर से वापस नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इसकी जो है, अगर आपको लेट्स से मैं कहूँ कि यार इसका मुझे निकाल दो, इसका मुझे मैक्सिमम हाइट बता दो, मैक्सिमम हाइट निकाल के दे दो मुझे, अब तुम अब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारे दिमाग में, तुम कहोगे यार स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है आपकी कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन हो रही है, मतलब उसकी स्पीड हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही है, ठीक है। क्योंकि बॉल, अगर आप लॉजिकली भी सोचो तो बॉल यहाँ पे तेज मीडियम स्पीड की होती है और यहाँ पे आके जीरो स्पीड हो जाती है बॉल की, ठीक है। तो बॉल की ना वर्टिकल स्पीड चेंज होती जा रही है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये फॉर्मूला हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें करने पड़ेंगे सुवर्ट की इक्वेशंस इस्तेमाल, सुवर्ट की जो मैंने लिस्ट करी है यहाँ पे। तो सुवर्ट में यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, ग्रेविटी की वजह से हो रही है। अच्छा, इसमें वी में, वी होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एंड u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे नीचे लिख दें तो अब हम बता सकते हैं कि यार इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या, कैसे निकालेंगे। तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड 2a इज ग्रेविटी। a जो है ना यहाँ पे ए ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपकी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रही है, तो उसका हम जी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और एस है हमारी डिस्प्लेसमेंट जो कि मैक्सिमम हाइट को हमारी रिप्रेजेंट कर रही है। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, लेट्स से कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, लेट्स से 20 में दे देता हूँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20, इसको मैंने 20 की स्पीड से, 20 की वेलोसिटी से यहाँ पे मैंने इसको, इसकी यू जो है, यू है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है। तो 20 की स्पीड से मैंने इसको ऊपर लॉन्च करा, और आखिर में जाके क्या हो जाएगी, ऊपर जाके इसकी ऑब्वियसली वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है, ऊपर आके वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। वी एट मैक्स हाइट इज जीरो, वी एट मैक्स हाइट इज जीरो, ठीक है, वेलोसिटी एट मैक्स हाइट आपकी जीरो होगी,
ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय -9.81 मल्टीप्लाइड बाय s जो कि हमने निकालना है, कि मैक्सिमम हाइट रीच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर व्हिच इज द फाइनल वेलोसिटी। v स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ऊपर आके आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी 0 हो रही है, माइनस u स्क्वायर 20 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, 20 का स्क्वायर कर दो, इसको तुम नीचे लेकर आ जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81, ठीक है, इसको नीचे ले आओ, 2 मल्टीप्लाई बाय -9.81, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हुआ, इसको तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास आ जाएगी मैक्स साइड का फॉर्मूला, ठीक है, तो ये इसी को हमने सुवर्ट की इक्वेशन से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बेसिकली यही हो रहा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन एक खास फॉर्म का पाथ होता है जो कि होता है पैराबोलिक पाथ, ठीक है, पैराबोलिक पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ, ठीक है, पैराबोलिक पाथ का क्या मतलब होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, लेट्स से एक बंदा है और वो एक एरो लॉन्च करता है, ठीक है, ये सीआई में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो ये एक बंदा जो है एक एरो यहाँ से लेता है, एरो लॉन्च कर देता है यहाँ पे, ठीक है, एरो यहाँ से लॉन्च करता है तो एक कैसा पाथ लेगा, इनिशियली ऊपर जाएगा और ऊपर आके एक टाइम आएगा जब ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली ये पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है, यही पाथ जो है हम कैनन, लेट्स से कैनन लॉन्च होता है, कैनन को हम एक एंगल पे लॉन्च करते हैं, ठीक है, वो कैनन एक बॉल को लॉन्च करेगा, ठीक है, अब वो बॉल जो है ना एक पैराबोलिक पाथ लेगी, उसकी इनिशियल, ये मैंने वेक्टर ड्रॉ करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर ड्रॉ करा हुआ है यहाँ पे, इसका इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दिखेगी, फिर आगे जाके ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है, अब ये जो है ना यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसकी वेलोसिटी ऐसे ड्रॉ करी है, ठीक है, अब v एट टॉप, वेलोसिटी एट टॉप, ठीक है, अब इनिशियली जब ये लॉन्च हुआ है तो एक वेक्टर की फॉर्म में लॉन्च हुआ है, ठीक है, अब इनिशियली इसके पास बोथ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और एक वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है, इसके पास इनिशियली एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी है, इसका रिजल्टेंट ऐसे दिखता है, ठीक है, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, तो अगर हम इसको एक कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है, जिसका एक वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है इसकी वेलोसिटी वी दिखती है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसके इसके हिसाब से ना आपकी इक्वेशंस भी डिराइव होती हैं, तो इसको अटेंशन देना, ठीक है, तो ये वेलोसिटी का जो वेक्टर है ना इसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, अब इसको मिला के एक वेलोसिटी का वेक्टर बनता है, ठीक है, अब इसका अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना हो तो मैं सिंपली सो का टोआ हम इस्तेमाल करते हैं, 90 डिग्री ट्राइंगल के, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक इस एंगल पे थीटा पे ये लॉन्च हो रहा है, ठीक है, थीटा पे लॉन्च हो रहा है, इसको हम अगर हम रीअरेंज करें तो ऑपोजिट ये है, लेट्स से मुझे वर्टिकल वेलोसिटी के लिए चाहिए, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये होगा, ठीक है, ऑपोजिट ये होगा, विच इज द वर्टिकल वेलोसिटी, ये ऑपोजिट है वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, वर्टिकल, ठीक है, तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो साइन होता है सो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज को हम रिलेट करते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, हाइपोटेन्यूज है इसका ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को पहचानने का एक और तरीका होता है कि 90 डिग्री का जो ट्राइंगल होता है ना, 90 डिग्री ट्राइंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड है ना, इसकी ऑपोजिट साइड क्लियरली ये वाली है, तो इससे हम पहचान लेते हैं हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज आ गया आपका वी, तो वी हम यहाँ लिख देंगे और ऑपोजिट को हमने फाइंड आउट करना है, ऑपोजिट क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, इक्वेशंस में डालने के लिए कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, तो वी वर्टिकल हम निकालने के लिए, इसका जो रट्टा वाला, अगर आपको बिल्कुल ही रटना हो ना, ये तो मैं डिराइव करना सिखा रहा हूँ, कि अगर आप पेपर के बीच में बैठे और याद नहीं आ रहा हो कि यार कौन सी इक्वेशन कहाँ डालती है, तो ये डिराइव करने का तरीका आ जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल ही रटना है ना, तो वर्टिकल के लिए वी साइन थीटा है, जो कि इसको अगर तुम रीअरेंज कर दोगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, वी साइन थीटा होता है, वी क्या है यहाँ पे, वी है इसकी वेलोसिटी, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, जो मैंने ये वाली ड्रॉ करी थी, वो रिजल्टेंट वाली वेलोसिटी वी है, वी साइन थीटा, और वी कॉस थीटा है हॉरिजॉन्टल वाली, बिल्कुल ही रटना है ना तो ये कर लो, बस साइन की जगह कॉस लग जाता है यहाँ पे,
साइन थीटा के लिए वर्टिकल के लिए साइन थीटा होता है और हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसको तुम इसकी हॉरिजॉन्टल वाली भी तुम डिराइव कर सकते हो अगर तुम सोका टोआ में डालो, ठीक है। तो अब इसमें जो की कॉन्सेप्ट होता है ना, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो पूरे पाथ के दौरान ना कॉन्स्टेंट रहती है, तो वी हॉरिजॉन्टल कॉन्स्टेंट रहती है और हॉरिजॉन्टल एट एनी पॉइंट इज कॉन्स्टेंट, वी हॉरिजॉन्टल इज कॉन्स्टेंट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द पाथ, ठीक है। तो पूरे जो मोशन के दौरान ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, पूरे पाथ के दौरान ना आपकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो मैंने ड्रॉ करा है एरो, एट एनी इंस्टेंट ये एक इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी का वेक्टर है, दूसरे इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है। जब ऊपर आती है तो आपकी वेलोसिटी का वेक्टर टोटली हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कैसे हो जाता है, क्योंकि अब इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पोजिशन जीरो हो जाती है, तो वी एट टॉप, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी एट टॉप, वर्टिकल वेलोसिटी एट टॉप इज जीरो। इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है लेकिन इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, तो इसका रिजल्टेंट ही हॉरिजॉन्टल दिखेगा, हॉरिजॉन्टल दिखेगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट ना मुश्किल होता है ग्रास्प करना पहली दफा में, तो ये जो मैंने वेलोसिटी के वेक्टर बनाए ना, ये वेलोसिटी के वेक्टर हैं एट एनी इंस्टेंट। तो अगर मैं बिल्कुल इनिशियली कहूँ ना, तो लेट्स से मैं कहता हूँ यार ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 मीटर की पर सेकेंड की स्पीड से ये प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है, ठीक है, लॉन्च होता है, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर बता रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर बता रहा है। लेकिन हम इसको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी ब्रेक कर सकते हैं और एक वर्टिकल कंपोनेंट में भी ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, इन इक्वेशन से। तो अगर मैं इसकी वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए हो ना, वर्टिकल वेलोसिटी तो मैं वी साइन थीटा कर दूंगा, मतलब 20 साइन थीटा कर दूंगा, तो मुझे इसकी वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो मैं वी कॉस थीटा कर सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा इसका। अब मैं कह रहा हूँ, अब मेरा क्लेम है के वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना वेलोसिटी का, वो रहता है कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वी हॉरिजॉन्टल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है, और इसका वी वर्टिकल चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो वी वर्टिकल, ठीक है, चेंजेस और ऊपर पे आके जीरो हो जाता है, ठीक है। अब ऊपर पे आके जीरो हो जाता है, मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पे, अब इनिशियल जब मैंने स्टार्ट कराया था तो मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ पे v जो हम लेते हैं फाइनल वेलोसिटी को लेते हैं और u लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। तो अगर हम लें फॉर वर्टिकल कंपोनेंट आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, ठीक है, वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही होती है फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, अच्छा फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ऊपर आके वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, सॉरी ऊपर आके वेलोसिटी आपकी हो जाती है वी, फाइनल वेलोसिटी फॉर वर्टिकल कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी वी होती है और इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट को हम यू लें, इस पॉइंट को अगर हम जो इनिशियल हमारा पाथ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसको हम यू लें वर्टिकली, तो वर्टिकली इसके पास एक कंपोनेंट था, ठीक है, वर्टिकली कंपोनेंट था और एक हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट था। तो अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट लें, उसको हम यू लिखें, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल को हम लें वी, ठीक है, फाइनल को हम लेते हैं वी, तो फाइनल क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हमारी वर्टिकली जीरो होगी, सिर्फ वर्टिकली फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, फॉर वर्टिकल कंपोनेंट हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी हुई होगी। इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने नीचे दिया था, v sin थीटा, ठीक है, ये कैसे हमने डिराइव करा, सोका टोआ से, सिंपल सोका टोआ है, ठीक है, ये ट्राइंगल में ब्रेक करा था और फिर मैंने इसको डिराइव करा, तो इसके लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली हम जब मैंने इनिशियली पढ़ाया था कि कॉन्स्टेंट स्पीड पे हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जब हॉरिजॉन्टल आपकी वेलोसिटी
चेंज ही नहीं हो रही थी. जब कांस्टेंट है, जब आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. ठीक है, लेकिन वर्टिकली हम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में फॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि नेगेटिव 9.81 वर्टिकली लग रही होती है आपके ऊपर. ठीक है, और बाय द वे ये जो मैंने बताया था ना, वी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होता है, ये तब कांस्टेंट होता है जब आपकी ए रेजिस्टेंस जीरो हो. ठीक है, व्हेन ए रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू जीरो, उस सिनेरियो में आपकी वी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहता है. ठीक है, अब वर्टिकली ग्रेविटी के अंदर आपकी बॉल फॉल कर रही है. ठीक है, और वो चेंज होती जा रही है, जिसकी वजह से हम शूबर्ट की इक्वेशंस लगा सकते हैं. शूबर्ट की इक्वेशंस उन पे उस सिनेरियो में लगती है जब आपकी एक्सेलरेशन जो होना कांस्टेंट हो. ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से बॉल फॉल कर रही है. ठीक है, अब मैक्स हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज, अब यहाँ पे हमने लगाया था फॉर्मूला वर्टिकली बॉल फॉल करने में. ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसके वर्टिकल कंपोनेंट पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली ग्रेविटी के अंदर गिर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है 2as is equal to v square minus u square. ठीक है, v is final velocity, final vertical velocity. Final vertical velocity है, and u is initial vertical velocity. ठीक है, तो इसी से हम ये derive कर सकते हैं, क्योंकि हमारा v जो है vertically, क्योंकि ऊपर जब top most area पे आपका v क्या हो जाता है, zero हो जाता है. ठीक है, velocity आपकी vertically zero हो जाती है. ठीक है, वर्टिकली आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है ऊपर आके, तो मैं कह सकता हूँ कि वी एट टॉप इज इक्वल टू जीरो, इसको हम जीरो ले सकते हैं, इसको हम जीरो ले सकते हैं. ठीक है, और हाइट क्या है, वर्टिकली हाइट होती है, हाइट वर्टिकली होती है. तो अगर हम इसको सिंपली वर्टिकल प्लेन में ले लें, वर्टिकल प्लेन में ले लें, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को अगर हम रीअरेंज करें, तो 2 और ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी विच इज जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर आपका हो जाएगा जो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो. ठीक है, तो अगर मुझे हाइट निकालनी हो, तो यहाँ पे एस क्या है, एस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे, वर्टिकली. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली हो रही है आपकी, तो एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा. ठीक है, तो और यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना, ये पूरा ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है. बेसिकली U की जगह मैंने इसका बस वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया. तो वर्टिकल कंपोनेंट का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, वर्टिकल कंपोनेंट का ये फॉर्मूला था. ठीक है, v sin थीटा होता है, यहाँ पे मैंने v sin थीटा लिख दिया, और क्योंकि u के ऊपर स्क्वायर हो रहा है, u के ऊपर स्क्वायर हो रहा है, तो उसको मैंने स्क्वायर कर दिया. ठीक है, तो v, तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट था. ठीक है, ये है इसका वर्टिकल कंपोनेंट. अब ये सिंपली प्रोजेक्टाइल का हो गया. अब यहाँ पे हम चले जाते हैं हम हाफ प्रोजेक्टाइल पे. हाफ प्रोजेक्टाइल जो है ना, एक इसका अगर तुम इसके हाफ, ये फुल प्रोजेक्टाइल था, तो ये इसका आधा कर दो आप, तो अब ये जो इसका आगे वाला हिस्सा है ना, ये हाफ प्रोजेक्टाइल है. ठीक है, तो हाफ प्रोजेक्टाइल हो जाएगा अगर मैं बस इसको इसके पिछले पहले वाले पार्ट को इरेज कर दूं और आगे वाला पार्ट कर दूं, तो ये हाफ प्रोजेक्टाइल हो गया. हाफ प्रोजेक्टाइल और फुल प्रोजेक्टाइल में क्या फर्क है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए. तो जब टॉप मोस्ट पोजिशन पे हम आए थे, तो वेलोसिटी उसकी वर्टिकली क्या हो गई थी, वेलोसिटी वर्टिकली जीरो हो गई थी, है ना, क्योंकि जब हम यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजिशन पे आए थे, तो वेलोसिटी वर्टिकली हो गई थी जीरो. तो यहाँ पे भी हम वर्टिकल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी. अब यहाँ पे से जब ये एक पहाड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और इस ऊंचाई से इस बॉल को हमने लॉन्च करा है. ठीक है, अब ये सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ लॉन्च होगी. ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ लॉन्च होगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने एस्टेब्लिश करा था कि पूरे पाथ के दौरान आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है. ठीक है, कॉन्स्टेंट होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ लॉन्च होगा. हॉरिजॉन्टल इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी होगी, इनिशियली जो उसका वेलोसिटी का वेक्टर होगा, वो ऐसे दिखेगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी. ठीक है, तो अब इसका हमने पिछले वाले पार्ट में हमने एस्टेब्लिश करा था कि v क्या होता है, v फाइनल वेलोसिटी होती है,
और यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये हम वर्टिकल कंपोनेंट को में हम एस्टैब्लिश कर रहे थे, वर्टिकल जो वेलोसिटी का वेक्टर था उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट था ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये हमने इसकी इक्वेशन भी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। तो इसके इसके बारे में आपको बताना चाहिए। अब इसका वी क्या होगा, इसका वी होगा कोई कोई वैल्यू होगी जो हम फाइंड आउट करेंगे, अननोन वैल्यू होगी जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वी होगा एक वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे। अब यू क्या होगा, यू होगा जीरो, क्योंकि आपकी वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली क्या है, जीरो, यू इज जीरो इनिशियली, क्योंकि आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसके बीच के फर्क ये होता है। तो अब अगर हम ये इक्वेशन ले लें, सुवार्ट की इक्वेशन, सुवार्ट की इक्वेशन सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में लगती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में लग नहीं सकती, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन जीरो होती है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी का जो वेक्टर होता है ना वो आपको कांस्टेंट दिखेगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देते हैं हम, ये सुवार्ट की इक्वेशन होती है। और अगर हमें s निकालना हो तो s की जगह हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट, s की जगह हम क्या कर सकते हैं, s इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट। तो s ut क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, u हमारा जीरो है मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, u जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, h व्हिच इज द डिस्प्लेसमेंट, s हो जाएगा, s लिखना है हमें यहाँ पे, s लिखना है, s की जगह हम हाइट भी लिख सकते हैं, s की जगह हम हाइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक वो s है, तो इसको हम हाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो s लिखो, h लिखो, सेम दोनों चीजें, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, बेसिकली ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि u मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इतना काफी है। Yeah, that's about it, Mohit. Again, I want to tell all the viewers ke, again, this is just a very brief walkthrough of the topic, right? Jo my classes hongi, they're going to be much more in detail. And again, you know, we're going to be making spaces for questions. Mohit's going to be asking, you know, ke aapko samajh aaya, nahi aaya. You guys can use the Google Meet chat box because all these classes will be on Google Meet. So, and Google Meet is like a free software, by the way. So, koi charges nahi hota uske. So that's how it's going to be like that. Over to now, Laiba. So about Laiba, so she actually used our course last year, pre-med ka, and mashallah, she was able to score 183 in her MD CAT. Mohit, can you stop sharing your screen, please? So 183 in the MD CAT, as I mentioned, that's a very big feat. That's an amazing job. Iske saath mein she also got 93.83% in the NUMS exam. So that, those are some great scores. And now I want all of you to hear from Laiba as to how her experience was, how she found the course, how she finds the pre-med platform, and how kids can actually, like, you know, score something similar to her in the MD CAT of 2024, actually. Laiba, you're muted. I can't hear you. Laiba is joining just in 1 second again. Wait, am I audible now? Now you're audible, yeah. Okay. So, Assalamu alaikum, guys. My name is Laiba Abid, and I appeared for the UHS MD CAT exam 2023.
I basically took pre-med's NDCAT crash course as well as AQU crash course, and I was able to score a pretty good score in the UHS exam. And I cleared the AQU entrance exam and got shortlisted for the interview as well. Now, I will actually like to share my experience with you all and how I found the crash course to be useful for me. So basically, na, I like to share a small story with you. I loved going through the YouTube reels or wahan main NEET ke videos dekhti thi. And I would see those NEET ke mentors, they would be telling that how revision is a, you know, a key factor that plays an important role to, you know, in order to crack any exam. Jab tak, no matter how much in detail you have covered a topic, lekin jab tak you haven't efficiently revised it, and no mentor has made you, you know, efficiently revise it, tab tak you can't crack an exam, no matter jitni marzi books padhi ho uske upar. Theek hai? So that is why, you know, I took that crash course. It was hamare time mein. I took it 1 month back. Hamare time, it was a 1 month crash course. And we went, because we had time constraints, so we went through the high yield topics. And we had our mentor, Zabir Zahid, and he made us efficiently revise those topics. Now those classes, they were really interactive. I used to, you know, attend a physical academy as well, but I didn't found those academy classes to be that interactive. Wahan pe kya hota tha, we had to, you know, sit for straight 6 hours, and you know, ek aapka attention span hota, you can't focus continuously for 6 hours. Aapko ek jagah bitha ke aap sikhenge 6 hours, aap baith ke English lo, physics, chemistry, biology, you have to, you know, pay you know, attention to those lectures, wo nahi possible hota. So how those classes were basically designed for us was that ke hame na, there were timing that was, you know, sort of to accommodate ourselves. If we were like, humne raat ko 10 baje classes leni hai, they were giving us raat ko 10 baje classes. If we were like, humne thoda 7 baje chahiye, so the timings were very flexible and they were made in order to accommodate the majority of the students. Moreover, those classes weren't boring hamare liye. Hamara jo mentor, instead of ke jo typical conventional teacher-student relation hota na, instead of that, that was a mentor-mentee experience. Theek hai? Wahan par, we would be, you know, classes were fun hoti thi, interactive hoti thi. We would be, you know, getting flashcards and different different concepts being taught in the form of stories. Aur wahan is tarah hamare concepts bahut achhi tarah se reinforce ho jaate the. Acha. और इन एडिशन टू दैट ना, हमारे साथ ये होता था कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते थे ना, देन वी वुड बी असाइंड उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस. एंड यू नो, आई एम अ वेरी सॉर्ट ऑफ लाइक, यू नो, अ कंपेटिटिव पर्सन. मुझे होता है कि मैं अपने साथ कंपटीशन है, एंड आई लाइक टू, यू नो, keep a record of what I am doing. Yeah, phir maine kitni progress ki hai. So I would be using pre-med key website for that purpose. And usme I would be seeing ke how much progress am I making on the daily basis. Aur wahan par especially mujhe dashboard mein jaake I would be seeing ki acha ji, ab maine ji itne 1000 questions kar liye hai, itne 1000 questions kar liye hai. That was a sort of motivation for me ke bhai maine, I have accomplished something and maybe I am making my way to my dream university. So इसी तरह ही हमारे साथ होता था. एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते थे. आई हैड, यू नो, हमारे पास जो सारा कोहर्ट में एवरीवन वाज रियली सपोर्टिव. आवर मेंटर वाज देयर टू, ही वुड बी गाइडिंग अस फॉर लाइक ऑल दिस क्वेश्चंस दैट वी वर अटेम्प्टिंग. और इस तरह ना ये होता था कि टिल द लास्ट डे, जब जहाँ बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं अबाउट द प्रिपरेशन, आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट माइन. And सिर्फ ये नहीं होता था कि हमारी सिर्फ बोरिंग क्लासेस हो रही हूँ, we were basically being taught something. Rather than that, हमारे पास ये होता था, it was giving us guidance as to how to go about studies, as to how many past papers we have to solve, or किस तरह करना है, what topics should we focus on, और हम किस तरह अपना time table effectively manage कर सकते हैं. So I think that I made the best decision of my life to, you know, sort of get that pre-med subscription as well as, you know, take that crash course. That was all from my side. Thank you. Thank you so much, Laiba. I'll be very honest, being the co-founder, it's always very lovely to hear such reviews. You know, the other problems that we face, you know, when I was getting my MDCAT, I remember I used to use old books, just my, you know, answers would be wrong. There was no way of making sure ke main answer sahi kar raha hu, nahi kar raha hu, explanation to thi nahi. And that's why we started pre-med. So, you know, regardless of that fact, you know, yes, all our seniors have, for example, Laiba, can you please mute yourself? मैंने नहीं ऊपर की, बाले ठीक किए, पीछे नहीं होके बैठी. Laiba, can you please mute yourself? Right. So as I mentioned, you know, जो previous, you know, students ने use किया है,
You know, I know a lot of people have used, for example, physical academies. They've gone to, like, you know, these tuition centers. But up through a change of time, you have to understand if it's not the best thing for you, then you have to look for other options. You know, let's say a quick course, you know, go through YouTube. Try seeing, you know, for yourself that does online work for you. Trust me, after COVID, I'll be very honest, I sort of have become a night owl. So I like studying at night more than, for example, you know, going to a class at like 8 a.m. in the morning. So that's when these online lectures, online courses come to help you. And that's what we want you to realize. We want you to adapt to the technology because this is the future and this is actually beneficial to you as well. Now I'm going to go back to my screen and also talk about ki is MDCAT course mein kis tarah aap enroll kar sakte hain, kya iski process hai, uske kya aur features hain. So let me share my screen, please. So as I was saying, ki yahan pe main aaya tha, I was on this screen. Let me make sure. Haan, aap logo nazar aa rahi hai meri screen. So yahan pe na, we were talking about the schedule. So schedule ke liye, I want to show you kis tarah humne ek dynamic schedule banaya hai, how we've adapted for specific classes, how, for example, you can, for example, also attempt mock tests on pre-med. So let me show you the schedule before I go on to actually talk about the other aspects of the course. So yahan pe hum bas schedule ki agar hum baat kare to, let's say ki pehla din hamara jo course ka hai, it starts on 1st October. So if you are thinking of enrolling, make sure to message us on social media, make sure to fill the form as soon as possible. Main bhi a link share karunga on the groups. To phir aap 1st October se class join kar payenge, warna kya hoga ki aap agar der se join karenge, then you might get the recordings and usme aap usko interactive class ke taur pe nahi le payenge. So as you've seen, jis tarah main bata raha tha ki Sundays ko and Saturdays ko we'll have two classes each, theek hai na, and we can have it from the subjects of the MDCAT. As we go on, for example, let's say winter break aati hai, as soon as you guys come back, hum aapko batayenge bhai ab chuttiyan ho gayi hain, bahut enjoy kar liya, now how do you stay motivated during this entire prep session? Because again, this is like I mentioned, everyone has a you know, attention span. They have this attention span in one class as well, and also for a series of classes or like a month. And after a month, you do get, like, you know, burnout, up thak jaate ho. So you want that sort of motivation, those sort of stories, those sort of inspirational motivations, that ke aap bole ki nahi, this is my dream, I want to become a doctor, I want to join this fala XYZ medical school, and this is why I'm doing this in the first place. Right? So this is what you have to do. So if you go on forward, hum yahan pe dekhte, for example, yahan pe we have mistakes you should avoid during your prep. So let's say, you know, for example, we will have kids who've given the MDCAT, who did not make it the first year, they came again and they reapplied and then they got in, and then they'll tell, you know, in our first year we were not, for example, focusing on the questions, we were not focusing on this or that, and iski wajah se, you know, we did not do well in the first time. So you guys have to make sure ki aap log ye cheeze karo, ye cheez na karo. So the do's and the don'ts are basically cracking the MDCAT. Ek hum session karwaye 25 Jan ko, isme hum basically discuss karenge about paper attempting techniques. To kya hai ki, for example, let's say aap paper karne jate hain, to bhai timing mein kya kare, agar koi sawal naya aa jaye jo aapne kabhi pehle kiya nahi, to usme kya karenge? For example, let's say, for example, aap paper karne ja rahe hain, what do you need to revise one day before the exam, what do you need to revise the day of the exam? So everything will be covered. So yeah, and as you guys see, ke subjects chale ja rahe hain, jaise biology ka, we're going to have intro to the course, biomolecule ke basics, carbohydrates and proteins, everything, okay? आगे चलते हैं. यहाँ पे है स्ट्रेटजी टू टैकल योर स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम. नाउ दिस इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज भाई MDCAT इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम इन योर लाइफ. आई 100% अग्री. यू नो, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम. आप जा रहे हो, यू नो, ये एग्जाम से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा. आप कौन से मेडिकल स्कूल में जाते हो, वहां से आप US में जा सकते हो, आप UK जा सकते हो, आप पाकिस्तान में रहोगे. इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग डिसाइडेड. एंड उस वक्त जो प्रेशर होता है, that pressure is unmatched. You know, people who've given the MDCAT once will agree ki bahut tension wala mahol hota hai, but trust me, this class will basically teach you how to tackle that stress. Ki kis tarah, for example, agar dil ki dhadkan tez ho rahi hai, you are having cold feet, koi baat nahi, just take a deep breath, you know, think about it, think about, you know, that paper right now, don't think about anything else, and things will work out. So yeah, and this tarah ye chalte ja raha hai. एंड जो हमारे ब्रेक्स पाएंगे उसमें हम लोग आपको होमवर्क देंगे, साथ में आपको जो, फॉर एग्जाम्पल, यू नो, हाउ टू रिटेन एंड रिवाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके बारे में बताएंगे. सो यू नो, जो हमने पहले सारे टॉपिक्स कर लिए, उसकी रिविजन भी हो जाएगी कि भाई इस तरह उनको रिवाइज करना है, ताकि यू आर ऑल सेट. एंड टूवर्ड्स जुलाई के एंड की तरफ, यू गोना बी हैविंग मॉक टेस्ट. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप फॉर एग्जाम्पल जाके ना हमारी प्रीमियर की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट कर सकते हो, एंड दे गिव यू द बेस्ट आइडिया ऑफ हाउ दिस कोर्स विल बी. आपकी जो पढ़ाई है, हाउ इज इट बिन सो फार, and do you need to do anything else, or are you set for the MDCAT? ठीक है, now let's come back to the presentation. इसमें मैंने आपको बताया था कि we'll be giving you more things as well. More things में क्या क्या आता है, भाई आपको हम देंगे pre-med के MDCAT notes.
we'll give you pre-med ki chapter guides and we'll give you the MDCAT QMAG access of pre-med. ठीक है ना, ये वैसे भी हमारा QMAG 4000 रुपए का है अभी as of now currently, और साथ में जो MDCAT notes हैं, guides हैं, these are going to become paid. So we want to make sure कि अगर हमारा एक बच्चा आ रहा है and they're using the course, the entire, the part of the entire group, then they get access to all of these things for free. आपको मैं दिखाऊँ हमारे notes कितने बेहतरीन हैं ताकि आपको idea मिल सके. मैंने यहाँ पे ना homeostasis खोल के रखा हुआ है. So I want to show this to you. Let me go back. So यहाँ पे this is our gaseous exchange का, और आगे जाकर मैंने homeostasis का खोला हुआ है. Let's see the gaseous exchange के notes right now. Look at the diagrams, beautiful diagrams. Ab aage jayenge, we'll discuss every important thing in these notes. So, you know, everything that's high yield, everything that you need to know. And let's say, for example, पंजाब की टेक्सटबुक में ये चीज लिखी हुई है और फेडरल में ये लिखी हुई है, हमने दोनों चीजें यहाँ पे मर्ज कर दी है ताकि आपको किताब खोलने की जरूरत ही नहीं, आप बस ये नोट्स खेलें एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड. सो यू नो, लेट्स मूव ऑन, लुक एट दिस डायग्राम, दीज आर फ्रॉम योर बुक्स ओनली, ताकि आप देख सको कि हाँ भी ये डायग्राम जरूरी है, मुझे याद करने की जरूरत है. ये डायग्राम भी हम आपकी बुक से ही है. जस्ट इमेजिन, हमने सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो हाई यील्ड है, एक जगह कंपाइल कर लिया. यू नो ऑल दीज डायग्राम्स, ये डायग्राम हमने खुद नहीं बनाया है. These diagrams are from your books. ताकि आपको पता हो कि भाई ये वाला डायग्राम मुझे रट के जाना है, because ये डायग्राम से सवाल आते हैं. ठीक है ना, सिमिलरली गाइड्स क्या है भाई, गाइड्स इस तरह है कि बेसिकली वी डिस्कस कि भाई इस चैप्टर को इस तरह टैकल करना है, इसका यूट्यूब का ये अकाउंट बेस्ट है, इसकी वीडियोस देखेंगे तो आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी. और क्यू बैंक तो आपको पता होगा 50,000 क्वेश्चंस टॉपिकल ईयरली फ्रॉम NTS जो सिंध का पेपर होता है, फ्रॉम ईटा, फ्रॉम बलूचिस्तान, from federal zabmu ziauddin ki papers, we have everything and all of these questions with all options explained, with stats, with features like save a question, report a question, in sab ko aapko access milega. Aur saath mein jo doubt solve hamara feature hai, jisme aap koi bhi sawal ki tasveer ya to jo aapko samajh nahi aa raha wo le sakte ho, ya jo hamara existing sawal hai uski ek video explanation through a teacher mang sakte ho, wo sab hum cover kar rahe hain. Theek hai na, let's move forward. तो अभी थोड़े रिव्यूज है, आई थिंक लाइबा का रिव्यू इज मोर देन इनफ, बट आई वांट टू टेक अ मिनट एंड जस्ट टॉक अबाउट दीज रिव्यूज एंड अंडरस्टैंड कि भाई जो ये जो टेस्टेड मेथड है, सही ना, जो हमने क्रैश कोर्स बनाया था लास्ट ईयर, इट वाज अ टेस्टेड मेथड बिकॉज किड्स एक्चुअली वर सक्सेसफुल. अगर एक स्टूडेंट के हमारे क्रैश कोर्स को यूज करके 183 आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारा ये क्रैश कोर्स चलता है, इट इज इफेक्टिव. एंड दैट्स व्हाई आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस कि आप एक दफा एक्सप्लोर करें, आप जरूर देखें कि भाई इज दिस गुड फॉर अस और नॉट. एंड 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जब एनरोल होंगे, यू विल बिकम सैटिस्फाइड कि यस, हमारी तैयारी बेहतरीन हो रही है. हम कोई अकेडमी जाते हैं, वहां पर हमें टीचर समझ नहीं आता, वो बोरिंग डेड टीचर्स होते हैं, तो हम लोग इन सेशन को इंटरक्टिव रखेंगे, हम इंश्योर करेंगे आपको हम प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हर क्लास के बाद. हर क्लास के बाद लेट्स से आपने आ जाके होम्योस्टेसिस पढ़ा है, हम आपको उस होम्योस्टेसिस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे प्रीमेट से. आप जाके 150, 200, 300 सवाल कर सकते हो प्रीमेट से, आपके परफॉर्मेंस आपको मिलेगी कि भाई आपने फॉर एग्जांपल जो आपकी क्लास है 60 बच्चों की, उसमें आपने कैसे परफॉर्म किया. जस्ट यू नो पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है कि बच्चा फॉर एग्जांपल जो भी स्टूडेंट है वो इंप्रूव कर रहा है, वो पहली दफा MDCAT दे रहा है, उनको कहीं और जाना ही नहीं पड़े, उनके पास क्वेश्चंस, वीडियो रिसोर्सेज, टीचर्स का एक्सेस, मेंटरशिप, एवरीथिंग अंडर वन रूफ. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. अब किसी ने बोला कि भाई हम और क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो मैं जिस तरह बताया कि ये सारे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज MDCAT इज नॉट जस्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, इस ऑल को ऑल्सो कि किस तरह अटेम्प्ट करना है, कितना अपना फॉर एग्जांपल यू नो अपने आपको हावी करना है इस चीज पे, कितना आपको यू नो रिलैक्स करना है, हाउ टू बैलेंस थिंग्स एट दिस टाइम इज वेल, विल बी कवरिंग एवरीथिंग. मैं एक इंश्योर ये करूंगा कि जो हमारे ये पूरी जो फॉर एग्जांपल एक कोहोर्ट बनेगा ना, एक ग्रुप ऑफ किड्स बनेगा, ये एक फैमिली बन जाएगा, बिकॉज ये पूरे अगले साल तक रहेगा एक साथ. एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम इंश्योरिंग टू यू कि इतना हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, इतना हम आपको फॉर एग्जाम्पल एक क्लोज नेट बना के रखेंगे कि ऑल ऑफ दिस 50-60 किड्स विल बी सेइंग कि हमारा ड्रीम मेडिकल स्कूल में इसलिए एडमिशन हुआ बिकॉज हमने प्रीमेड के कोहोर्ट में एडमिशन लेने का सोचा था. राइट, इसके आगे हम चलते हैं. तो नाउ पीपल आर आस्किंग इन द चैट बॉक्स इज वेल कि भाई किस तरह एनरोल करें, प्लीज लेट अस नो एएसएपी बिकॉज क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st October. तो आपको इस गूगल फॉर्म को स्कैन करना है और फिर आपने वहां पे डिटेल्स डाल दी है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड सर प्राइस क्या है. प्राइस इसकी बहुत मिनिमल है, इट्स ओनली एंड ओनली ₹4500 पर मंथ. ठीक है ना, 4500 में आप लिटरली फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग सब कुछ सीख रहे हो, साथ में आपको MDCAT का क्यू बैंक मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, गाइड्स मिल रही है, प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं, आपको मेंटरशिप मिल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप की गाइडेंस मिल रही है, सारी जितनी रिसोर्सेज है ना प्रीमेट की सब कुछ अंडर वन रूफ मिल रहा है फॉर जस्ट एंड जस्ट 4500 रुपीज. एंड दैट्स इट. इसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई अकेडमी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई किताब खरीदने की, कोई रिसोर्सेज खरीदने की
आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टीचर को हायर नहीं करना पड़ेगा फॉर प्राइवेट ट्यूशंस. दीज टीचर्स, दीज अमेजिंग टीचर्स विल बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू फॉर आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस. जिनके पास ये गूगल फॉर्म का क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, विल बी शेयरिंग दिस फॉर्म ऑन द ग्रुप्स एज वेल, सो मेक श्योर टू फिल इट. I'm also going to be sending a number कि आपको कोई भी सवाल हो ना, you can always also, for example, get that question answered. इसके साथ में we've made WhatsApp groups. अगर आप इस WhatsApp group का हिस्सा अभी तक नहीं है, आप हमारे YouTube पे comment करें, आप हमें social media, Premed के Instagram पे, Facebook पे message करें, and we'll add you to those groups as well, ताकि वहाँ पे भी आप अपने और सवालात के जवाब ढूंढ सकते हैं. ठीक है ना? Now this is a very comprehensive outline of the entire cohort of the entire हमारा जो MD CAT का improver course है. और मैंने जिस तरह बताया, this is not just for kids who are improving. अगर आप for example आपने schedule देखा, आप पहली दफा भी MD CAT दे रहे हो, आपके लिए फायदा है. Because इस तरह होगा कि हम लोग literally class इस तरह मोहित किया कि चाहे आपने वो चीज पहले पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है, we don't care. We're gonna teach it to you again like प्रीमेट के स्टाइल में, ताकि आप लोग इस तरह याद करें कि लिटरली एमडी कैट के दिन पे भी आप पेपर में बैठ के ना याद कर रहे हो कि ओ सर मोहित ने, सर अली ने, मैम मरियम ने, मैम हया ने इस तरह पढ़ाया था, इस सवाल इसको इस तरह अटेम्प्ट करना है. आई होप दिस रियली एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ आवर एंटायर कोहर्ट का प्लान टू यू. सही है ना? हमारे जो कोर्स है, आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग ऑल ऑफ यू. कोई भी सवाल हो, प्लीज 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 फील फ्री टू आस्क अस ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, एंड वी लव टू आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस. Thank you so much for tuning in. Take care. Looking forward to all of you. Allah Hafiz.